क्षेत्रीय चिकित्सालय मंडी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ मंडी इकाई द्वारा 13वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सालय के 30 कर्मचारियों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्तदान एक पुण्य का काम है, जिससे कई लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि लोग स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि ऐसा जुनून सभी लोगों में हो, तभी हमारे समाज में रक्त की कमी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में 5000 यूनिट खून की प्रतिवर्ष जरूरत है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के लोग स्वेच्छा से रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिला के रक्त बैंक में कभी भी कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला को राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल हुआ है, जिसके लिए उन्होंने जिला स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र एक क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुमूल्य योगदान दिया। विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नई सोच के साथ वर्तमान सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में आ रही समस्याओं एवं कमियों को आगे लाने को कहा। उन्होंने कहा कि पहले जो कार्य नहीं हुए हैं, उन कार्यों को प्राथमिकता दें, ताकि मंडी में स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कमी ना हो। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि शहर में विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो। उन्होंने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देशराज शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी महंत, चिकित्सा अधीक्षक देवेंद्र शर्मा, अरास्पति कर्मचारी महासंघ के महामंत्री एनआर ठाकुर, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ के प्रधान अमरजीत शर्मा ने अपने विचार रखे। नगर परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र भट्ट, पार्षदगण, रक्तदान प्रभारी डॉक्टर राय सहित अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। इससे पूर्व कर्मचारी महासंघ के प्रधान अमरजीत शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। जो ब्लड बैंक का यहाँ डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए मुझे खासकर आमंत्रित किया गया, केवल मुझे जो सूचना मिली, वैसे तो मेरा कार्यक्रम आज दोपहर के बाद आने का था, वैसे पुण्य काम के ऊपर, क्योंकि हमारा जोनल हॉस्पिटल जो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से है, और ये ठीक कहा कि उन्हें एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये उनके लिए, उनके जन्मदिन के ऊपर, ये आप लोगों कर्मचारियों, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिनके माध्यम से आज एक पुण्य का काम आप कर रहे हैं, मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा। और इस पुण्य काम के लिए साक्षी बनने का जो मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं सभी अमरजीत और सभी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया। डॉक्टर देशराज ने ठीक कहा कि इस हॉस्पिटल में काम आया, वैसे भी हॉस्पिटल में काम आना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में आना जो है वो ठीक नहीं होता, परंतु किन्हीं कारणों से, सभी जानते हैं किन्हीं कारणों से, स्थानीय विधायक और मंत्री होने के नाते भी मैं बहुत कम आया। और पीछे मैंने अचानक दौरा किया और इस हॉस्पिटल का जायजा लिया था। अब मुझे लगता है कि मुझे बहाना चाहिए आने का, कोई ना कोई बहाना चाहिए, जब मैं आपके बीच में आता रहूं, तंदुरुस्त रहूं, किसी और बहाने से आता रहूं, क्योंकि अदालत के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो अच्छा नहीं लगता कि वहां पर लोग जाएं। परंतु सबसे बड़ी बात है, जब कहा सीमा साहब ने, ठीक कहा कि सरकार बनने के बाद नई सोच के साथ ये सरकार आई है, युवा मुख्यमंत्री हैं, और सभी काम करने की शक्ति लेकर जो है इसको करने का प्रयास करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि इस जिला से संबंध रखते हो। और डॉक्टर महंत ने कहा कि हमेशा इस जिले को ब्लड बैंक के लिए जो है सम्मानित किया जाता है, और ब्लड ठीक कहा, क्योंकि मैं
इस बात से सहमत हूं कि हम साइंस की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परंतु जैसे एनआर ठाकुर ने कहा कि जिंदगी बचाने के लिए ब्लड डोनेशन जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, और इसीलिए हमारे प्रदेश के अंदर भी, और जब यहां कहा गया, देशराज जी ने कहा कि यहां 5000 यूनिट जो है हमारी डिमांड होती है जिले की, वो पूरी नहीं होती, फिर भी जब जरूरत पड़ती है तो लोग जो है स्वेच्छा से यहां आते हैं, और इतने बार रक्तदान करना, कोई 17 बार, कोई 27 बार, कोई 35 बार, ये एक ऐसा जुनून है जो सभी लोगों को होना चाहिए, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। और स्वास्थ्य विभाग एक नौजवान मंत्री मिले हैं, पहले भी नौजवान थे, अब और नौजवान मिले हैं, तो इसलिए मुझे याद है कि यहां पर आएंगे वो 26 जनवरी को भी आएंगे, मुझे लगता है कि हमारे जोन हॉस्पिटल का भी वो यहां पर निरीक्षण करें, और यहां की कमियों को, क्योंकि मैं पीछे आया था, हमारे पास यहां पार्किंग की बहुत समस्या है, और मेडिकल कॉलेज नेरचौक आने से भी हमें लगता है कि हमारा कुछ जो बॉटल नेक है, यहां जो समस्या है उसको हम दूर कर सकें, परंतु फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि यहां जो पार्किंग की समस्या है उसको दूर किया जाए, और जो और समस्या हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है उसको भी हम पूरा करने का आपको आश्वासन देते हैं, परंतु यहां पर जनता जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और काम के ऊपर जनता आशीर्वाद भी देती है, और मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि मंडी के लोग एक बार नहीं, वर्षों से, 55 साल तो हमें हो गए, इतने साल कभी किसी को आशीर्वाद नहीं मिलता, यहां लोगों का प्यार इतने वर्षों से मिला है, और हमारा दायित्व तो बनता है, हमारा दायित्व तो बनता है कि आपकी इच्छा के अनुरूप उतने का हम प्रयास करें।